Yes. बेटा मत बोलो, अच्छा नंबर सीरीज, चलो अब ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बंद क्यों किया वो, अभी तो आएंगे। बोलो भाई अगला वैल्यू, अगला वैल्यू, अरे नेक्स्ट 31 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, सो आंसर इज 31। ऑड वन आउट, 15, 21, 63, 81, 69, इसका ऑड वन आउट निकालना। भाई इन पांचों में जो सबसे अलग है वो निकालना। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, इन पांचों में जो सबसे अलग हो कौन सा। बिल्कुल सही 81, यही स्क्वायर है, बाकी नहीं है, बाकी सब ओड नंबर है, लेकिन यही एक स्क्वायर है, बाकी नहीं है, इसलिए ओड वन आउट क्या हुआ 81। ओड वन आउट का मतलब होता है कि इन जो भी गिवन है उनमें सबसे अलग कौन, और वो किसी भी रेस्पेक्ट में अलग हो सकते, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट, एक और ऑड वन आउट बताइए, 7, 9, 13, 17, 99, बिल्कुल सही है। अब ये इजी था, ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर, तो ये ऑड वन आउट हो गया। सर हाँ सर, क्लास थोड़ी मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन और क्या करूं बता, नहीं मतलब ना स्टार्टिंग में जो आपने ट्रायंगल बनाया था ना, वो रेक्टेंगुलर वाला, कौन सा रेक्टेंगुलर वाला, इसको रब करने से पहले, वो तो हमने इसने डाउट पूछा था वो बताया था। अच्छा 7, 9, 13, 17, 90, बाकी सब प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब 9 आपका ऑड वन आउट है, तो हम यहाँ पर ऑड वन आउट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑड वन आउट क्या हुआ 9, दिस इज ऑड वन आउट। तो बेटा एक प्रॉब्लम ऑड वन आउट पर जरूर आएगी, तो आपको जो भी नंबर गिवन है उसमें से जो सबसे अलग है वो बताना। नेक्स्ट 7, 23, 47, 119, 167, इसका अगला वाला। बेटा खुला रहने दे, आएंगे अभी तक। 7, 23, 47, 119, 167, बताइए, अच्छी प्रॉब्लम है। 7 इसका अगला नंबर आपको बताना है। भाई स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, इनको याद रखो आप, स्क्वायर क्यूब और प्राइम नंबर। बोलो 3 का स्क्वायर
नाइन। बोलो क्या हुआ दूसरा अगला प्राइम नंबर, फिर अगला प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर, तो अगला क्या होगा? तो 287। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर माइनस टू, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर माइनस टू, बेटा आप और रेगुलर आया करो नहीं तो आना बंद कर दो। कोई जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी सिलेक्शन इलेक्शन तो होने वाला नहीं है, क्या मतलब है, क्या करोगे पढ़ के, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है। वीडियो तो भेजूंगा ही नहीं हूँ, तुम आराम से आओ टेस्ट की तैयारी करो, कहाँ दिक्कत आ गई। अब भेजूंगा ही नहीं वीडियो, जो आएगा बस वो पढ़ेगा। 4, 12, 44, 176, 180, 890 इजी है बेटा। ओड वन कौन है? ओड वन, ओड वन, ऑड वन निकाल। एट नाइनटी। और बोलो वो किस्मत है तेरी, 890 तू लिख के आई और गलत हो गया। अब इसने बोला कि 4 से डिविजिबल नहीं है, वो आपकी किस्मत है। 176 भी नहीं, 44 है। अब ये हो क्या रहा है ये मैं बता रहा हूं। 4 × 2 + 4 12 × 3 + 6 42 × 4 + 8 कितना रहा ये? 42 × 4 + 8 176 × 5 + 10 So what is odd one out? 42। फिर आप बोलो कि सर मैंने जो कंसेप्ट बताया था वो भी तो सही है, तो मैंने क्या बोला? किस्मत। इस तरह की प्रॉब्लम में आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने जो कंसेप्ट लगाया उसने वो कंसेप्ट नहीं लगाया, उसने कुछ और सा आंसर दे रखा, तो आंसर वही आएगा। ऑप्शन 890 है ना? नहीं, 890 नहीं है इस बार, 890 नहीं। नेक्स्ट फोर 16, 36, 6400। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? बिल्कुल सही है, सबसे इजी है। सभी इवन नंबर का, टू का, फोर का, तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर 144।
इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, लास्ट वाला लिखा हुआ है एनपीएसवी, इधर लिख देते एनपीएसवी। अब इनमें से कौन ऑड वन आउट है, देखो पहले वाले की नंबरिंग बोलो, 3, 5, 8, एच में क्या आता है 12, 2, 3, 4, अरे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 2, 3, 4। अगले वाले में बोलो के 11, 11, 13, 16, ये भी वही आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, ओ 15, 17, 20, ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बोलो 14, 18, पी 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 19, एक सेकेंड बी बी, तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर नहीं कर रहा, बी वाला, क्योंकि 19 प्लस 4 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया, एनपीएसवी, एनपीएसवी। बेटा एक प्रॉब्लम ऑड वन आउट पे जरूर आएगा, ऑड वन आउट 5, 10, 17, 27, 37, नाउ व्हिच इज ऑड वन आउट, टेन, क्यों बाकी सब प्राइम नंबर, बाकी सब प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 17 इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का है, 10 इवन नंबर हो गया, बाकी सब ऑड नंबर। और कोई रीजन गलत दे रखा उसने, पूरा किस्मत, कुछ नहीं कर सकते। अब आपने लॉजिक लगाया कि सब ये ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, यस यस, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यही आ रहा है, यस, ऑड वन आउट इज 27। फोर 16, 256, 1024, बताइए क्या आएगा, यस 64 आएगा, दिस इज 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर, सो आंसर इज, लिख लीजिए,
ओडमैन आउट, सोच के बताना आराम से भाई। डायरेक्ट लॉजिक लगाने से पहले यदि कुछ उस तरह का लॉजिक लगता है तो पहले सोच लेना, ऑप्शंस भी दे देना। 5, 55, 51 भाई डायरेक्ट लॉजिक लगाने से पहले पहले आप ये देखो कि कोई मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है या कैसे आ रहा है। अब देखो कितने का डिफरेंस है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और यहाँ पर कितने का ऐड होना चाहिए, फिर ये 55 कहाँ से आ गया, एक सेकंड मैंने गलत लिखा है। और इधर आगे कितने का स्क्वायर ऐड हो रहा है, 36। हाँ तो ठीक है ना, यही है वो, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, हर जगह डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 51, क्योंकि यहाँ पर आपका डिफरेंस भाई 30 के बाद 25 का आना चाहिए। अरे कुल मिला के हाँ, यहाँ पर ये डिफरेंस गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज गलत आ रही है, तभी तो डिफरेंस गलत आ रहा है। यदि ये चीज सही आती है तो डिफरेंस सही आता। तो बाकी हर में क्या है, नंबर किसका है, डिफरेंस कितने का है, स्क्वायर का है, इसमें स्क्वायर का है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, 51। चलिए तो ये तो था भाई आपका नंबर सीरीज में है, ऑड मैन आउट एक प्रॉब्लम पक्का है और बाकी सिंपल सीरीज है। अब जो अपना जिसके लिए अपना आ जाए वो है ब्लड रिलीज। बोलो हाँ 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 ठीक है। अब देखो उसमें क्या है, उसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, पेट इक्वल टू 4, ये कितना होता है 16 5 20 16 into 5 divided by 10 ऐसा है, बाकी हो जाएगा। और कोई, चलिए लिखिए ब्लड रिलीज। नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलीज। अब बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, ब्लड रिलेशन में बिल्कुल मत बोलो, यदि आपस में डिस्कस करोगे तो भी नहीं आएगा। ब्लड रिलेशन भाई, जनरल रिलेशन आप जानते हैं सब, ठीक है, ब्रदर फादर ये इस तरह के सारे जितने भी अपने रिलेशन है वो जानते हैं। अब मदर साइड या फादर साइड में जो भी होगा, या तो मैं जैसे मामा है तो उसको मैटरनल अंकल बोलूंगा, ठीक है, और चाचा को अंकल बोलूंगा, और कुछ नहीं गिवन है तो सबको अंकल बोलूंगा। यदि मैटरनल नहीं गिवन है तो सबको क्या बोलेंगे, अंकल बोलूंगा। अब यदि कोई मेल है, अब मैं कैसे डिनोट करूंगा, मेल है तो प्लस ऐसे बनाऊंगा, फीमेल है तो माइनस। हस्बैंड वाइफ है तो ऐसे बनाऊंगा, प्लस माइनस इस तरह, इसका मतलब होता है कि ये हस्बैंड वाइफ। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ गया, वो डिपेंड करता है सबके अलग अलग, वेरी करेंगे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा सर इसका तो आंसर ये हो, तो इसका मतलब वो स्पेशल लोग हैं, उनको चीजें समझ में जल्दी आ जाती है।
लेकिन इसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, तो आप ये मत समझो कि सर उनको कैसे आ गया। मैंने बोला वो स्पेशल है, आपको फ्लो डायग्राम से चेक करना, उसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं। फिर ये बोला कि सर वो जैसे वो सोच रहे वैसे हम सोचे नहीं सोच पाओगे, ये मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर से है होंगे। मैं बोल रहा हूँ अभी 10-15 जन 5-6 जने ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर इसका तो आंसर ही है, इसका मतलब वो जल्दी से वो उसको कैलकुलेट कर रहे कि भाई ये सर ऐसा। तो ये कुछ ही लोगों में होता है, सब में नहीं होता। हाँ वो अच्छा हो सकता तू ही हो। तो मैंने क्या बोला, मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ, और सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे हम जनरेशन का, बस ये चार चीजों का ध्यान रखो बाकी सब हो जाएगा। मैंने बोला फादर ऑफ राम, तो मैं ऐसे बनाऊंगा ये राम और ये इसके फादर, क्यों ऊपर जनरेशन में बनाया, ये तो राम है और ये इसके क्या है फादर। राम की डॉटर, तो मैं ऐसे बनाऊंगा राम की डॉटर मतलब उसकी नीचे जनरेशन वाली, इस तरह से बनाऊंगा। अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो उसके फादर है, अंडरस्टूड है। मैंने जैसे यहां राम लिख दिया और ऊपर प्लस लिखा, इसका मतलब ये राम की क्या है फादर, ये राम की क्या है डॉटर। अब मैंने यहां पर लिख दिया कि इसका मतलब ये राम का सन है, ये राम का सन है। अब मैंने यहां पर लिख दिया वाइफ, इसका मतलब वाइफ का भाई, तो समझ में आ जा, इस तरह से बनेगा ये फ्लो डायग्राम बनेगा। बेटर, हाँ तो इसका इसका भाई है ना, माइनस से प्लस जा रहा मतलब ये दोनों भाई बहन, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस नहीं जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस आ रहा मतलब ये दोनों ब्रदर सिस्टर और ये इनके दोनों के, ठीक है अब क्लियर है, ऐसे चलेगा भाई आपको। और मैंने क्या बोला, वापस से बोल रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ये सबसे बेस्ट मत फ्लोड है, जनरेशन का ध्यान रखेंगे और ये प्लस माइनस लगाते चलो, लिख लो जो लिखना है फिर आगे चलो। तीन प्रॉब्लम आएगी, तीन या चार, चार मान लो इस बार क्योंकि एक टॉपिक हट चुका, सिलोज में हट गया तो आपके चार क्वेश्चन तो पक्के हैं, पांच भी आ सकते हैं लेकिन चार तो आएंगे इसमें। जल्दबाजी मत करना, जिसको आंसर आ जाए प्लीज चुप रहना, नहीं तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा ये। विनोद और एक प्रॉब्लम मुझे बता देना फिर उसके बाद करना। विनोद इंट्रोड्यूस
मैंने बोला ना अब स्पेशल हो गई है। अब जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो देखो, जिनको थोड़ा बहुत, वैसे तो ये इजी है ठीक है, फिर भी आपको बिल्कुल नहीं, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो देखो। अच्छा जैसे इन्होंने बता दिया, वैसे तो मैं भी बता सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कितने लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि कजिन कैसा है, मतलब सोचने में भी नहीं आ रहा, अभी एक भी नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी बनाते। अब देखो इस फ्लो डायग्राम को कैसे बनाएंगे सोचना। देखो इधर देखो, कौन बोल रहा है? विनोद बोल रहा है। अब विनोद बोल रहा है तो विनोद अपने बारे में क्या बोल रहा है पहले वो सोच लो। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। चलो बोल, विनोद अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल। विनोद इंट्रोड्यूस इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ, अच्छा अच्छा बोल रहा है ना विनोद अपने बारे में क्या बोल रहा है? His father's wife. देखो विनोद, father, wife, son of only brother of his father's wife, brother, और इसका son, कौन? तो क्या हुआ cousin brother? दोबारा बताना हूं, देखना इधर, विनोद फादर वाइफ ब्रदर सन, इसका मतलब ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? कजिन्स आया, ठीक है बना लीजिए। अब ये फ्लो डायग्राम कैसे बनाया है वो समझ लो आप, क्योंकि ये फ्लो डायग्राम ही बनाना पड़ेगा जब भी अटकेंगे हम, जब सीधा देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। विनोद फादर वाइफ ब्रदर सन, इसका मतलब ये दोनों एक ही जनरेशन के आ रहे हैं और ये दोनों उसके हैं भाई, मतलब ये इसका ये भाई बहन है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ कजन, कजन ब्रदर, ब्रदर नहीं बोलेंगे कजिन बोलेंगे। नेक्स्ट चलिए सोच लीजिए पहले आप। एक मिनट, ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, ये लिखा हुआ है, तुम देख लो, तुम आराम से सोच लो पहले।
बनाए ब्रदर, बनाए नन ऑफ द दो। नेफ्यू देखते हैं बेटा, देखते अब इसने जो आंसर दे रखा वो तो बड़ा अजीब सा दे रखा, अब वो मेरे को भी चेक करना है कि क्या हो सकता है कि ये गलत लिखा हो कहीं पे भी, तो एक बार चेक कर लो। अब देखो सबसे पहले सुन लो, इसने अपने बारे में क्या बोला पहले वो देख लो, सबसे पहले यही पकड़ना। इसने बोला है माय मदर, तो देखो उधर इसका हस्बैंड और उसकी मदर सर नेफ्यू। अरे रुक तो जा, आप क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले बेटा, तुम बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आया? उसकी मदर हस्बैंड और उसकी मदर, अब ये बोल रहा है अ मैन ही इज द सन ऑफ द वुमेन, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने सबने गलत बताया, सन है आंसर। देखो ना उसने क्या बोला, ये जो मैन है वो इसका बेटा है, इस वुमेन का बेटा है, और ये किससे रिलेटेड है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, he is the son of the woman who is the mother of husband, or he is the son of the woman, अरे रुक जा, who is the mother of husband of my mother, who is the mother of husband of, who is the mother of husband of my mother, हमने जो बनाया अभी तक सही बनाया है क्या? मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ, मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर, ये तो आंसर गलत दे रहा है, इज द अब आंसर क्या आएगा ब्रदर इन लो, ब्रदर अंकल आएगा, तो अंकल नहीं नेफ्यू, नेफ्यू भी कैसे आएगा, नेफ्यू ठीक है नेफ्यू आएगा, रुको रुको, अरे अब इसमें गलत दे रखा तो मैं क्या करूं बताओ तुम, इसने क्या बोला, इसने सन दे रखा, इसने क्या बोला है सुन दे, he is the son of the woman who is the mother of husband of my mother, so is the son of the, अच्छा is son of the, एक्चुअल में क्या है, रुको रुको सही है, सनी आया, लिखो अरे नहीं नहीं सनिया, ही इज द ओनली सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर, अब बिल्कुल सही है, अब समझ में आया, इसने बोला कि इसका इकलौता बेटा है, तो इसका इकलौता बेटा है इसका मतलब ये इसके क्या हुए अदर हुआ, तो ये इसका, तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दिस मैन, तो इस मैन का क्या हुआ सन हुआ, इस मैन का सन हुआ, अब ये कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि उसने ओनली नहीं दिया, ओनली देना चाहिए उसको, क्योंकि ओनली होने से ही वो आंसर आएगा, अब क्लियर है ऑनलाइन, क्लियर है अब? यस सर क्लियर है, क्या आएगा दोबारा सन आएगा, क्या बेटा सन आएगा, सन आएगा सर, सन कैसे आएगा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ रुक जाए,
देख इधर, ये कौन है बोल दी जाना। सुरेश। ये इसके मदर, मदर के हस्बैंड की मदर का ये इकलौता बेटा, ये मैं। तो बेटा ये इसका, इस मैन का क्या लगा बेटा? बस क्लियर आगे। नेक्स्ट तो सर उसने है ना स्कैनर में ओनली नहीं लिख रखा था कि ओनली सन। हाँ ओनली मैंने लगाया बेटा, ओनली नहीं लगाओगे तो बहुत सारे मतलब निकल जाएंगे। यदि ओनली नहीं लगाया तो बहुत सारे मतलब निकल जाएंगे, हो सकता है कि फिर उसका क्या हो बेटा, नेफ्यू। तो नेफ्यू भी आंसर आ सकता है, इसलिए ओनली तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, pointing to a man in the photograph, pointing to a man in the photograph pointing to a man in the photograph a woman said, the father of his brother, the father of his brother is the only son